The upcoming film Half Girlfriend's director Mohit Suri says that he misjudged Arjun Kapoor, thinking that since he didn't perceive anything in life, he became an actor. But he was wrong. In an interview, he told the media, अर्जुन को पहले मैं जानता नहीं था, मुझे लगा था कि यू नो एक प्रोड्यूसर का बेटा है, लाइफ में और कुछ किया नहीं, तो उसने बोला कि हीरो बन जाता हूँ और जाके यशराज में जाके लॉन्च हो गया, तो सबसे बड़ी बैनर थी. तो मैं एक्चुअली उसको ऐसे जज करता था, बट फैक्ट जब मैं अकेले उनको मिला और ऐसी बात कर रहा था कोई दूसरी पिक्चर, वो मैं उसमें मैंने वो सब देखे जो मैं इस कैरेक्टर में ढूंढ रहा था. वो यू नो कहीं ना कहीं ही वॉज ब्रॉट अप बाय अ सिंगल मदर, जो मोना जी, और मैंने उनके साथ काम किया. उन्होंने कैसे एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में खुद का एक स्टूडियो, एक पहचान बनाई. उसके बाद यू नो अर्जुन वॉज अ फैट चाइल्ड, तो यू कहते हैं कि मुझे कभी कोई गर्लफ्रेंड उस टाइम थी नहीं. तो फिर हाउ ही लॉस्ट वेट एंड मेहनत करने के बाद, उस पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो ही लॉस्ट वेट एंड देन ही यू नो ऑडिशन इन यशराज, जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है ऑफ सेलेक्टिंग एक्टर्स, आई नो हाउ इट वर्क्स देयर. एंड ही ऑडिशन एंड ही गॉट अ पार्ट एंड ही डिड वेल. तो मुझे लगा कि जैसे माधव झा का कैरेक्टर है जो बिलोंग करता है रॉयल फैमिली से, बट फैक्ट ये कि उसकी वो उनके बाप के मरने के बाद उनकी स्टेटस कुछ अच्छी है नहीं. उनकी माँ उनको अकेले बड़ा करती है और वो वैल्यूज़ डालती है जो एक क्योंकि एक सिंगल मदर से आए और बिहार के छोटे गाँव में उनको बड़ा करती है. फिर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो इसलिए बास्केटबॉल के में मेहनत करता है ताकि उसे स्कॉलरशिप में स्टीफन्स कॉलेज में एडमिशन मिले, जो यू नो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया. तो ऑल दिस वर द इमोशनल इंपल्सेस दैट आई नीडेड फॉर माधव झा कैरेक्टर. कहीं ना कहीं अर्जुन ने मुझे वो सब दिखा. आईएनएस रिपोर्ट.